तो गाइस यार अभी हम वापस से पहुंचने वाले हैं लॉस सैंटोस। बस ज्यादा दूर नहीं रहा हमारा, लॉस सैंटोस हमें दिखने लग गया है। तो गाइस यार मैं यार गया था लॉस सैंटोस से बाहर सोनिक के लकी बॉक्स लेने, वो भी शिनचैन के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सारे लकी बॉक्स हमने पीछे रख रखे हैं। और अभी हम जा रहे हैं वापस से अपने यार लॉस सैंटोस पे, क्योंकि अपनी क्लास है और आज हम खोलने वाले हैं सोनिक के लकी बॉक्सेस। थोड़ा सा हम लेट हो सकते हैं अपनी क्लास के लिए, पर कोई बात नहीं, फटाफट से यार अपन पहुंचते हैं लॉस सैंटोस में। तो यार मैंने सोचा यार कहां यार इस बोर्ड को कहीं पे लगाऊंगा, फिर इसमें से ये लकी बॉक्स उतरवाने पड़ेंगे, फिर गाड़ी से इधर लाने पड़ेंगे। तो मैं सीधा ही जहां पे अपनी यार क्लास होने वाली वहां पे इस बोर्ड को लेके आ चुका हूँ। इतनी बड़ी बोर्ड को हम अंदर लेके आ चुके हैं, सारे सारे लकी बॉक्सेस भी हमारे तैयार है। और अपनी यार क्लास में भी कोई आया नहीं, मैं बहुत ही जल्दी पहुंच गया। मुझे लगा था मैं लेट होऊंगा, पर मैं बहुत जल्दी पहुंच चुका हूँ। तो फटाफट से सारे के सारे लकी बॉक्स को यहाँ पे अनलोड करते हैं, सारे के सारे सब सेट करते हैं और अपनी क्लास भी शुरू करते हैं। तो गाइस यार अभी यार हमारे सारे सारे जने आ चुके हैं, हमारे सारे लकी बॉक्स भी हमने अपनी जगह पर रख दिए। तो फटाफट से अपन क्लास को शुरू करते हैं। एक सेकंड, ये दो पीछे वाली सीट खाली क्यों है, कौन नहीं आया? अरे पहले मैं क्लास में पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा। ओए ऐसे कैसे तू पहुंचेगा, मैं पहुंचूंगा। तू तो मेरे पीछे है, तू मेरे से आगे कैसे जाएगा? ये मैं क्लास में पहुंच गया, मैं जीत गया। अबे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे सर मैं जीत गया, देखो। ओए मैं हार गया। तुम दोनों लेट हो, तुमको पता है ना? अरे सर हम तो रेस लगा रहे थे, देखो मैं कितनी जल्दी पहुंच गया। वो सब मेरे को नहीं पता, तुम क्लास के लिए लेट हो, अभी यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। सॉरी सर अगली बार से लेट आएंगे। अच्छा ठीक है अगली बार से लेट आए तो निकाल दूंगा। तो गाइस सारे के सारे लकी बॉक्स यहाँ पे रेडी हो चुके, बड़े लकी बॉक्स, छोटे लकी बॉक्स, उससे छोटे लकी बॉक्स और उससे भी छोटे लकी बॉक्स, सबके सब तैयार है। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ये तो छोड़ो यार अटेंडेंस क्या लेना, सबके सारे जब जाने तो प्रेजेंट ही है। एएफए की भी सबके से प्रेजेंट है। तो यार सभी के सभी बच्चे प्रेजेंट है, तो मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा। तो आज क्या होने वाला है वो मैं बताता हूं। तो यार मैं पूछने वाला हूं तुम सबसे यार मस्त क्वेश्चंस, और जो भी उसका आंसर देगा उसको यार लकी बॉक्स खोलने का मौका मिलेगा। और हां याद रखना, जो सबसे पहले आंसर देगा उसी को सबसे पहले लकी बॉक्स खोलने का आंसर देगा। तो फटाफट से आज का अपना एग्जाम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? फटाफट से बताओ। हेलन, ये तो मेरी माँ ने मुझे बताया था, मुझे पता है। हाँ क्रिश फटाफट से बताओ। T20 का वर्ल्ड कप जीता था। अबे पूछ क्या रहे, बताना। अरे नहीं सर, बता ही रहा हूँ, इंडिया ने। अरे बिल्कुल सही जवाब। तो आज का पहला सोनिक लकी बॉक्स खोलने वाले अपने क्रिश, देखते हैं यार इनको क्या मिलता है। अरे इसको नहीं छोड़ूंगा। या तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो क्रिश बन चुका है खतरनाक वाला सोनिक, पर उसके ऊपर बहुत सारा खून गिरा हुआ है, पेंट गिरा हुआ है। भाई ये कैसे छतरी कैसे खोल ली? तो गाइस यार अभी देख सकते हो क्रिश में कितनी ज्यादा शक्ति आ चुकी है। भाई ये पानी के नीचे भाग सकता है, मतलब यार इसके पास बहुत ही तगड़ी वाली सोनिक की शक्ति आ चुकी है। तो चलो अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे फटाफट से बताओ इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? मैं बताऊंगी, कोई नहीं बताएगा। अरे हाँ, और किसी को आता भी नहीं, तुम ही बताओ। ओके बिल्कुल सही जवाब। तो और अगला लकी बॉक्स खोलने वाली है वांडा, देखते हैं ये क्या होता है। और गाइस सर ये क्या भाई सब, ये कौन सा सोनिक है? मुझे लगता है कोई लड़की का वर्जन है सोनिक। और ये क्या, अबे ये क्या फेंक रही है? अबे बमबारी कर दी, अबे मेरे को उड़ा दिया। अरे सॉरी सर, गलती से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अबे ऐसे कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, भाई पूरी क्लास में आग लगाती है पगली। अबे इधर, अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ। अरे फिकी भाई जल्दी फायर ब्रिगेड को फोन करो। अरे सर देखो मेरे को कितनी खतरनाक शक्ति मिल गई। अबे तेरी शक्तियों के चक्कर में हमारा आग लग गई यहाँ पे। अरे यार क्या करती रहती है। सर ये देखो क्या, अरे भाई साहब ये क्या किया इसने, भाई कौन से अंडे वंडे फेंक रही, भाई तू मेरे से दूर रहना। मुझे यार नहीं पता था कि सोनिक भी इतना खतरनाक हो सकते हैं। तो अब मुझे कौन बताएगा सोलर सिस्टम के शुरू के 3 प्लेनेट के नाम, फटाफट से बताओ। वो तो बहुत है दे। तो और कोई बता सकता है, और किसी को आता है? ओए मुझे पता है, मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। वेनम, ओए मरकुरी, वीनस, अर्थ। बहुत बढ़िया, अब चलो अर्थ की स्पेलिंग सुनाओ। अर्थ है, मतलब सही तो है वैसे। हाँ चलो ठीक है, लकी बॉक्स खोलते। तो गाइस यार अभी अपना इतना खतरनाक वाला वेनम खोलने वाला है, इतना खतरनाक बड़ा वाला सोनिक का लकी बॉक्स। और ये क्या, अबे इसके पीछे तो पंख निकला है। अबे ये क्या हो गया? अरे वाह, ये क्या शक्तियां मिल गई मुझे। ये अरे वाह वाह वाह, मुझे तो बहुत ही खतरनाक शक्तियां मिल गई। और गाइस यार ये देखो तो सर ये कैसे उड़ रहा है, और ये क्या रोड तोड़े जा रहा है। गाइस यार इसको तो बहुत ही खतरनाक तरह की शक्तियां मिल चुकी है, और ये कार उठा के फेंक दी। भाई ये सोनिक तो कहीं से भी नहीं लग रहा, इसके पीछे से पंख निकला है पता नहीं कहां से, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। अरे चल बस, अरे सबको मार मत, क्लास में आ जा। यार मुझे नहीं पता था सोनिक के लकी बॉक्स इतने ज्यादा खतरनाक निकलेंगे, पहले वो बमबारी करके चली गई और इसको इतनी ज्यादा खतरनाक शक्तियां मिल गई, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो चलो अब अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं?
एलिफेकीबे कौन सा गेम? अबे गेम नहीं, ब्रेन, ब्रेन जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना, वो किसको बोलते हैं? एलिफेकीबे मुझे पता है, सीपीयू को। अरे बहुत बढ़िया शिनचैन भाई, ये तो मेरे को यार मतलब पता नहीं था कि शिनचैन को ये पता होगा। तो फटाफट से शिनचैन खोलने वाला लकी बॉक्स। और ये क्या, अबे ये क्या, छोटा सा सोनिक। एलिफेकीबे यार मुझे लगा था मैं छोटा सा हूं तो बड़ा सा सोनिक मिलेगा। अब ऐसे तो ना, तो छोटा है तो छोटा सोनिक ही मिलेगा ना। और इसकी पावर देखो भाई, इसके पीछे से क्या ही मतलब, कितनी ज्यादा तेज भाग पा रहा है तू शिनचैन। एलिफेकीबे मैं बस तेज नहीं भाग पा रहा, मैं सबको मार भी। अब एक तो फालतू में लोगों को मारता रहता है। तो गाइस यार देख सकते हो शिनचैन को भाई क्या ही तगड़ी वाली पावर्स मिल चुकी है। और ये क्या, अबे भाई ये क्या कर रहा है? अरे इसने तो यार क्रिश को भी घुमा दिया। हाइला मुझे बचाओ, हाइला जादू। अरे भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स है शिनचैन। एलिफेकीबे एक बार करता हूं, रुक क्या कर रहा है शिनचैन? एलिफेकीबे ये देखो। अरे गाइस यार ये वाली पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है शिनचैन, देखो सारी कितनी ज्यादा तेज भागे जा रहा है और पूरा टोर्नेडो बना रहा है शिनचैन। बहुत ज्यादा तगड़ी पावर्स है, चल फटाफट से क्लास में जाओ। गाइस आप देख सकते हो भाई सबको कितनी खतरनाक पावर्स मिलती जा रही है। एक सोनिक का लकी बॉक्स तो मैं भी खोलूंगा। एक सेकंड, अभी कौन कौन बचा है? हल्क और ये बच्चा बचा है। तो मुझे बताओ दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल किसको बोला जाता है? एलिफेकीबे कबूतर को। अबे तू चुप रहे ना, तेरा हो गया ना। रुको कोई नहीं बताएगा, हल्क बताएगा। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है चीता। अरे बिल्कुल सही जवाब। और गाइस यार हल्क ने लकी बॉक्स खोलने के बाद ये क्या, ये मोटा सा सोनिक बन चुका है। ये तो बहुत अजीब सा है भाई, ये तो मैंने पहली बार देखो। ओ भाई भाई मैं तो कुछ अच्छा मजाक उड़ाने वाला था, इसके तो आंखों में से लेजर निकल रही है भाई। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, तो उड़े भी पा रहा है। हल्क को तो यार बहुत ही खतरनाक वाली शक्तियां मिल चुकी है। अच्छा फ्रैंकलिन दो दो हाथ करते हैं। ए चुपचाप क्लास में बैठ, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करेगा। अरे सर मैं तो रह गया यार, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्या तूने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी क्या? अरे नहीं सर मैं तो भूल गया सर, मेरा बचपन से सपना था सोनिक बनने का, प्लीज लकी बॉक्स खुलवा दो। एलिफेकीबे खुलवा दो ने। अच्छा चल ठीक है यार, तेरा सपना है तो खोल ही ले। तो गाइस यार अब ये बड़ा सा लकी बॉक्स खोलने वाला है ये छोटा सा बच्चा, देखते हैं ये क्या बनता है। अरे इसे तो लकी बॉक्स भी नहीं खुल रहा। अरे बच्चे और तेज लत मार। अरे ठीक है ओके सर, ये सर खुल गया। और गाइस सर अब यार ये बच्चे को भाई अलग सा सोनिक का कुछ सूट वूट मिल गया, और ये कैसे उड़ने लग गया। अरे सर ये तो मेरे से संभला नहीं जा रहा। अरे बच्चे आराम से, अरे ये तो उड़ने लग गया। अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, इस बच्चे से अभी तो चला भी नहीं जा रहा था, और ये अभी लोगों में मिसाइलें फेंक के जा रहा है। अरे मेरा बचपन का सपना बन पूरा हो गया, इविल सोनिक बनने का। अब मैं पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को खत्म कर दूंगा। है इविल सोनिक का और लॉस सेंटोस को खत्म कर देगा? अबे ये किसको मैंने सोनिक बना दिया? रुको मुझे भी लकी बॉक्स खोलना है भाई, आज तो सारे के सारे जनों को यार खतरनाक चीजें मिली थी। एक सेकंड, अबे ये क्या बात थी, मुझे तो नॉर्मल सा सोनिक बना दिया। नहीं लगता है मैं उड़ सकता हूँ। अरे यार मुझे कोई अच्छा सूट नहीं मिला, मुझे तो जो नॉर्मल सोनिक का सूट था ना वो ही मिला यार, ये अच्छा तो नहीं है। पर पावर्स की टेस्ट करते हैं। एलिफेकीबे आओ टेस्ट करते हैं। अबे चल निकल यहां से, ये ले सबके और मिसाइलें फेंकूंगा, सबके मिसाइलें फेंकूंगा। गाइस यार किसी को कुछ होने नहीं वाला क्योंकि सबके सब सोनिक है, तो सब खतरनाक है। एलिफेकीबे आओ दो हाथ करते हैं। अरे आ जा मैं डरता हूँ। शिनचैन भाई तू कितना ज्यादा छोटा है मेरे सामने। एलिफेकीबे आपको नहीं छोड़ूंगा। एनी रुको तो सर मुझे तो मारने दो। अबे क्यों मारने दो, फालतू में क्या मार खाने आया हूँ क्या? एलिफेकीबे आपको नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। अरे कहेंगे ये लो। अबे इतना दूर भी नहीं फेंकना था भाई, पूरे जमीन पर घिसड़ दिया शिनचैन, तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इधर। अरे रुक जाना, दो मिनट मेरे को भी तो हाथ चलाने दे। एलिफेकीबे ये लगी फेंकी मैं, छोड़ो एलिफेकीबे टाइम सब। अरे क्या टाइम है सब, अब तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये ले मिसाइल लिखा। एलिफेकीबे अरे छोड़ दो, दर्द हो रहा। अरे बहुत दर्द हो रहा है फेंकीबे। अरे भाई सब कितनी सारी मिसाइलें फेंकती थी, ये ले। एलिफेकीबे मैं हार गया, आपकी मार रही हूं। तो गाइस यार अब यार मेरे शिनचैन को हरा दिया। तो गाइस यार मैं भी बन चुका हूं बहुत ही बढ़िया वाला सोनिक। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।